ओम सोलर आरआई एक्सपो में अपना स्टॉल पर बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोग लगाए हैं। कंज्यूमर को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कि घर के कंज्यूमर हो या खेती के किसान हो या कोई बिजनेसमैन हो, सभी टाइप के कंज्यूमर को देखते हुए यहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट लगाए हैं। तो लूम सोलर हरियाणा की फरीदाबाद की कंपनी है, 2018 में स्टार्ट हुई थी और ये साढ़े पाँच साल की हमारी जर्नी कंप्लीट करने के बाद लूम सोलर जो जानी जाती है वह बेहतरीन सोलर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इसमें यदि हमारे पास सोलर पैनल में लगने वाले तीन कंपोनेंट होते हैं सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किए जाते हैं, सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी। तो ये जो हमारा जो सोलर पैनल है ये टॉपकॉन सोलर पैनल है। टॉपकॉन सोलर पैनल की वर्ल्ड वाइड ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाइज है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जिनके पास कम जगह है और उसमें ज़्यादा बिजली बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस जगह का जो कॉस्ट है या स्पेस का जो कॉस्ट है दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। जिनके पास 50 गज, 100 गज, 150 गज या जिनके पास फैक्ट्री और ऑफिस ही है तो उनके पास लिमिटेड जगह होती है लेकिन बिजली की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होता है। तो उन सभी कंज्यूमर को देखते हुए सबसे एडवांस कि कम जगह में ज़्यादा बिजली बना के देगा उस टाइप का सोलर पैनल है। दूसरा जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वह है लिथी एनर्जी स्टोरेज, जो आने वाले 4 से 5 साल में है कि लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे कि खुद से बिजली बना के और अपना खुद से स्टोर करके कन्वर्ट करके अपना इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमारे देश में भारत में सूर्य करीबन 365 दिन में से 300 दिन सनलाइट प्रतिदिन 10 घंटे मिलती है, तो वह फ्री के सन एनर्जी को हम बिजली में इस्तेमाल करें ये लूम सोलर की कोशिश रहती है। तो उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो ये सोलर पैनल है, ये 24 वोल्ट का सोलर पैनल होता है जिस पर आप घर, यदि घर के कंज्यूमर की बात करें तो घर की जो ज़रूरत होती है वह होती है एयर कंडीशनर का, क्योंकि टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज होने के कारण वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो विदाउट एसी, कूलर और फ्रिज ये सब के लोग रह नहीं सकते, तो उनको ज़रूरत को देखते हुए यहाँ पर एयर कंडीशनर है। और यहाँ पर पानी के लिए पानी का मोटर भी चला सकते हैं सोलर से कंज्यूमर। तो इस तरीके से जितने भी घर की ज़रूरत होती है वो सारे पूरा कर सकते हैं। तो एक बार हम आपको अपने एनर्जी स्टोरेज के पास लेके चलते हैं। वहाँ दूसरा कंपोनेंट जो होता है बैटरी और इन्वर्टर, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हमारा अटलांटा है, जो एक एनर्जी स्टोरेज है। आने वाले 10 साल में आप हर जगह पर देखेंगे कि अपना घर में लोग सोलर पैनल छोटे कैपेसिटी का ही रखेंगे लेकिन अपना खुद का रखेंगे। तो खुद से बिजली बनाने का एक सॉल्यूशन है कि अपने ये लिथियम बेस्ड बैटरी है जो अपने मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है कि हम इसके साथ हम अपना बिजली भी यूज कर सकते हैं और सरकार के साथ बिजली बेच भी सकते हैं। तो जा रहा है कि सोलर पैनल का इस्तेमाल हर जगह पर कनेक्ट किया जा रहा है। तो उसमें होता है कस्टमाइज सोलर पैनल। कस्टमाइज सोलर पैनल में कि ज़रूरत के हिसाब से डिजाइन ही किया जाता है, जैसे कि सोलर पैनल का साइज, जैसे देखें कि एक स्टैंडर्ड साइज वो है, इसको एक स्पेसिफिक साइज में बनाया गया है कि जैसे कि होम लाइटिंग सिस्टम, डीआईवाई प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स, स्ट्रीट लाइट, रोड स्पीड जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, इन सभी में बहुत सारी जगह पर सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये सोलर पैनल, इसको कस्टमाइज सोलर पैनल कहते हैं। और जो मतलब पानी, वाटर लेवल चेकिंग, ये सब पर सोलर पैनल लगाया जाता है। इसका खास पर्पस ये रहता है कि जो प्रोजेक्ट बने वो पोर्टेबल बने और हल्का हो और ज़रूरत के हिसाब से। अदर जो सोलर पैनल होते हैं ये टॉपकॉन होता है, इसको इफिशियंसी में नापते हैं। सोलर पैनल को इफिशियंसी में नापते हैं कि जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा, लॉन्ग लाइफ ज़्यादा होगा, लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि आज हम खरीदे हैं अगले 25-32 साल में इसकी डिग्रेडेशन कितना होगा। टेम्परेचर कोफिशियंट होता है कि जम्मू कश्मीर में यदि बर्फ गिरेगी तो क्या ये सोलर पैनल काम करेगा, राजस्थान के में गर्मी आएगा तो क्या ये सोलर पैनल काम करेगा। तो उन सभी को देखते हुए सोलर पैनल का डिज़ाइन किया गया है।